हेलो एवरीवन वेलकम टू लेक्चर वन ऑफ ग्रीन्स फंक्शन टॉपिक इस टॉपिक से अभी तक सिर्फ नेट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं नेट एग्जामिनेशन जो रिसेंट इयर्स में हुए हैं उसमें एक क्वेश्चन ग्रीन्स फंक्शन टॉपिक से पूछा गया है और उस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ग्रीन्स फंक्शन के बेसिक टेक्निक्स मतलब ग्रीन्स फंक्शन क्या है इसके यूजेस क्या हैं और ग्रीन्स फंक्शन कैलकुलेट कैसे किया जाता है तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा इस लेक्चर को ध्यान से सुनिए तो लेक्चर शुरू करते हैं पहले हम ग्रीन्स फंक्शन के रिगार्डिंग कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन बताएंगे तो पहला पॉइंट है ये द ग्रींस फंक्शन टेक्निक इज ए पावरफुल मेथड फॉर सॉल्विंग नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेश मतलब नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेश को सॉल्व करने के लिए ग्रीन्स फंक्शन का यूज किया जाता है एंड नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म यह कैप एक्टिंग ऑन वाई इज इक्वल टू आर ऑफ एक्स आर ऑफ एक्स क्या है आर ऑफ एक्स इज आईर ए फंक्शन ऑफ एक्स और फंक्शन ऑफ एक्स है या कॉन्स्टेंट है एंड एलकैरेंशियल ऑपरेटर डिफरेंशियल ऑपरेटर का मतलब क्या है डिफरेंशियल ऑपरेटर इज ए फंक्शन ऑफ डिफरेंशियशन ऑपरेटर और डेरिवेटिव ऑपरेटर जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है वो डेरिवेटिव ऑपरेटर का फंक्शन है दैट मींस जो एल कैप ऑपरेटर है इट इज अ फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव ऑपरेटर्स डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर का भी हो सकता है सेकेंड ऑर्डर का भी हो सकता है या हायर ऑर्डर का भी हो सकता है इन सिंपल लैंग्वेज एलकैप एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है एंड इट इज अ फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव ऑपरेटर्स और डेरिवेटिव किसी भी ऑर्डर का हो सकता है ठीक है तो क्या बताया गया इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ग्रीन्स फंक्शन का यूज किया जाता है ये ध्यान रखिएगा नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के बहुत सारे टेक्निक्स हैं उनमें से एक वेनोल टेक्निक क्या है ग्रीन्स फंक्शन टेक्निक ग्रीन्स फंक्शन का यूज करके भी हम नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं ठीक है सेकेंड पॉइंट दिस टेक्निक रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एज एन इंटीग्रल ऑफ द ग्रीन्स फंक्शन मतलब ग्रीन्स फंक्शन टेक्निक में डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन को ग्रीन्स फंक्शन के इंटीग्रल के फॉर्म में लिखा जाता है तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है उसको ग्रीन्स फंक्शन के इंटीग्रल के फॉर्म में लिखा जाता है जैसा पहला पॉइंट में बताया गया नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ग्रीन्स फंक्शन का यूज किया जाता है इसका मतलब सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ग्रीन्स फंक्शन के बीच में कोई रिलेशन एग्जिस्ट करेगा और वो रिलेशन क्या है रिलेशन है ये रिलेशन में आप देख सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है वाई ऑफ एक्स और इसको एक इंटीग्रल फॉर्म में लिखा गया है वाई ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आर ऑफ ए इंटू जी ऑफ एक्स ए इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल ए और लिमिट है कैपिटल ए टू कैपिटल बी अब इंटीग्रेंट के अंदर ये जो आर ऑफ ए है ये क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन में जो आर ऑफ एक्स था यहां पे एक्स के बदले क्या रिप्लेस किया गया है ए एंड ये जो जी ऑफ एक्स ए है इसी को बेसिकली बोला जाता है ग्रीन्स फंक्शन ठीक है तो इंटीग्रेशन स्मॉल ए के रेस्पेक्ट में है और लिमिट है कैपिटल ए टू कैपिटल बी अब यहां पे ध्यान रखिएगा ये जो लोअर लिमिट कैपिटल ए और अपर लिमिट कैपिटल बी है ये कौन डिसाइड करता है कैपिटल ए और कैपिटल बी का वैल्यू क्वेश्चन में जो बाउंड्री कंडीशंस गिवन होंगे वो डिसाइड करेंगे ओके okay? the value of capital a and capital b is decided by the given boundary condition ठीक है तो ये रिलेशन आप देखिए इस रिलेशन में जो सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन है y ऑफ x इसको किस फॉर्म में लिखा गया है इंटीग्रल ऑफ ग्रीन फंक्शन और यही सेकेंड पॉइंट है सॉल्यूशन को हम ग्रीन फंक्शन के इंटीग्रल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं ओके okay? नाउ इसके बारे में और भी डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे मतलब ये जो फॉर्म यहां पे लिखा गया है y ऑफ x का ये करेक्ट फॉर्म है ये हम वेरीफाई भी करेंगे इन डिटेल्स ओके थर्ड पॉइंट दिस वन न बी यूज एज द मैथमेटिकल रियलाइजेशन ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन जैसा आपको पता है देर आर मेनी फंक्शन विच बिहेव लाइक डिराक डेल्टा फंक्शन ऐसे बहुत सारे फंक्शन हैं। जो डिराक डेल्टा फंक्शन की तरह बिहेव करते हैं उनमें से एक फंक्शन है ग्रीन्स फंक्शन ग्रीन्स फंक्शन भी डिराक डेल्टा फंक्शन की तरह बिहेव करता है और रिलेशन है ये। एल कैप एक्टिंग ऑन ग्रीन्स फंक्शन इज इक्वल टू डिराक डेल्टा फंक्शन तो इस इक्वेशन का सिंपल मीनिंग क्या है आप यहां पे देखिए जो एल कैप ऑपरेटर है वो क्या था डिफरेंशियल ऑपरेटर इसका मतलब कैप के अंदर डेरिवेटिव प्रेजेंट है ऑफ डिफरेंट ऑर्डर तो एल कैप किसके ऊपर ऑपरेट कर रहा है ग्रीन फंक्शन के ऊपर तो एल कैप के अंदर वेरियस ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव प्रेजेंट है और एल कैप ऑपरेट कर रहा है ग्रींस फंक्शन के ऊपर इसका मतलब है हम के कैलकुलेट कर रहे हैं तो के अंदर तो derivative भी है है और L -cap किसके ऊपर ऊपर कर रहा है? के तो इसका मतलब क्या होगा हम ग्रीन फंक्शन के डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं और इक्वल टू क्या है डिराक डेल्टा फंक्शन ठीक है तो ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन का सिंपल मीनिंग है ग्रीन्स फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो डिराक डेल्टा फंक्शन से रिलेटेड है बट यहां पे एक पॉइंट ध्यान रखिएगा डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होना जरूरी नहीं है डेरिवेटिव किसी भी ऑर्डर का हो सकता है बिकॉज जो एल कैप है एल कैप के अंदर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी है और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स भी हैं तो सिंपल हम क्या बोलेंगे ग्रीनस फंक्शन का डेरिवेटिव Dirac डेल्टा फंक्शन से रिलेटेड है डेरिवेटिव किसी भी ऑर्डर का हो सकता है अब वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा या कोई हायर ऑर्डर डेरिवेटिव होगा ये हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से पता चलेगा जो नॉन मोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन होगा उससे हमें आइडिया लगेगा ग्रीन्स फंक्शन का कौन सा डेरिवेटिव डिराक डेल्टा फंक्शन से कनेक्टेड है जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर है तो डिराक्टे सॉरी ग्रीन्स फंक्शन का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डेल्टा फंक्शन से रिलेटेड होगा नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर अगर थ्री है तो ग्रीन्स फंक्शन का थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव डिराक डेल्टा फंक्शन से रिलेटेड होगा इसका मतलब नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो डिसाइड करेगा ग्रीन्स फंक्शन का कौन सा डेरिवेटिव डिराक डेल्टा फंक्शन से रिलेटेड है ठीक है तो ती तीन पॉइंट थोड़ा डिवाइस कर लेते हैं पहला पॉइंट था नॉन होमोजीनियस लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ग्रीनस फंक्शन का यूज किया जाता है सेकंड पॉइंट डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को ग्रीनस फंक्शन के इंटीग्रल के फॉर्म में लिखा जाता है एंड थर्ड पॉइंट ग्रींस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है डेरिवेटिव किसी भी ऑर्डर का हो सकता है ग्रींस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो डिराक डेल्टा फंक्शन से रिलेटेड है एंड कौन सा ऑर्डर डिराक डेल्टा फंक्शन से रिलेटेड है वो कौन डिसाइड करेगा गिवेन नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक है? किसी भी नॉन होमोजीनियस लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जब ग्रीन्स फंक्शन टेक्निक यूज किया जाता है तब डिराक डेल्टा फंक्शन के कुछ प्रॉपर्टीज यूज किए जाते हैं वो प्रॉपर्टीज क्या है फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये डिराक डेल्टा एक्स माइनस ए इक्वल टू जीरो फॉर एक्स नॉट इक्वल टू ए तो डिराक्ट डेल्टा फंक्शन का वैल्यू जीरो होगा फॉर एक्स नॉट इक्वल टू ए तो डिराक्ट डेल्टा फंक्शन का वैल्यू नॉन जीरो कब आएगा इट विल बी नॉन जीरो फॉर एक्स इक्वल टू ए तो एक पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू नॉन जीरो और बाकी सारे पॉइंट्स पे फंक्शन का वैल्यू जीरो इसी टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं डिराक्ट डेल्टा फंक्शन एंड इस डिराक डेल्टा फंक्शन का पीक कहां पर होगा पीक विल बी एट एक्स इक्वल टू ए डिराक डेल्टा फंक्शन का जो पीक है वो एक्स इक्वल टू ए पे आएगा बिकॉज एक्स इक्वल टू ए पे ही फंक्शन का वैल्यू कितना था नॉन जीरो तो डिराक डेल्टा फंक्शन का जो पीक है वो भी एक्स इक्वल टू ए पे एग्जिस्ट करेगा ठीक है नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन ऑफ डिराक डेल्टा एक्स माइनस ए इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लोअर लिमिट है कैपिटल ए और अपर लिमिट है कैपिटल बी इस इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना है वन प्रोवाइडेड डिराक डेल्टा फंक्शन का जो पीक है वो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के अंदर होना चाहिए डेल्टा फंक्शन का पीक कहां पे था एक्स इक्वल टू ए पे तो डिराक डेल्टा फंक्शन का जो पीक है वो लोअर लिमिट और अपर लिमिट के अंदर होना चाहिए सो इफ द डिराक डेल्टा पीक लाइज बिट्वीन द अपर एंड लोअर लिमिट देन ओनली दिस रिलेशन इज ट्रू डिराक डेल्टा फंक्शन का पीक जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट के अंदर एग्जिस्ट करेगा तभी यह प्रॉपर्टी ट्रू है डिराक डेल्टा फंक्शन का पीक अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बाहर एग्जिस्ट करता है इन दैट केस इस इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना होगा इट विल बी इक्वल टू जीरो पीक अगर लिमिट के अंदर है तो वन लिमिट के बाहर है तो जीरो ठीक है नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी इज दिस इंटीग्रेशन ऑफ फाइव ऑफ एक्स Into Dirac delta x minus a डेल्टा एक्स माइनस ए इंटीग्रेशन विथ limit टू एक्स लोअर लिमिट इज कैपिटल ए अपर लिमिट इज कैपिटल बी इज इक्वल टू है? ऑफ ए रिलेशन भी कब ट्रू है जो Dirac डेल्टा पीक है वो कहां पे था एक्स इक्वल टू ए पे तो डिराक डेल्टा पीक लोअर लिमिट और अपर लिमिट के अंदर होना चाहिए डिराक्ट डेल्टा पीक अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बाहर होता है इन दैट केस इस इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना होगा जीरो तो ध्यान रखिएगा इस इंटीग्रेशन का वैल्यू फाइव ऑफ ए आएगा अगर डिराक्ट डेल्टा फंक्शन और डिराक्ट डेल्टा पीक लोअर लिमिट और अपर लिमिट के अंदर एग्जिस्ट करता है डिराक डेल्टा पीक अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बाहर एग्जिस्ट करता है इन दैट केस इंटीग्रेशन का वैल्यू जीरो आएगा तो ये तीन प्रॉपर्टीज ध्यान रखिएगा ग्रीन्स फंक्शन टेक्निक जब हम अप्लाई करेंगे तो ये तीन प्रॉपर्टीज फ्रीक्वेंटली यूज होंगी ठीक है नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हाउ टू सॉल्व नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग ग्रीन फंक्शन टेक्निक तो यहां पे हम एक सेकेंड ऑर्डर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे तो सेकेंड ऑर्डर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ये है लेफ्ट हैंड साइड में ए टू इंटू डी टू डी एक्स टू प्लस ए वन इंटू डी वाई डी एक्स प्लस ए नॉट इन टू वाई इक्वल टू राइट हैंड साइड में है आर ऑफ एक्स ये पहले भी बताया गया था जो आर ऑफ एक्स है यह फंक्शन ऑफ एक्स भी हो सकता है या कॉन्स्टेंट भी हो सकता है एंड लेफ्ट में ए नॉट ए वन एंड ए टू यह कॉन्स्टेंट को भी हो सकते हैं वेरिएबल को हो सकते हैं ठीक है तो यहां पर एक सेकेंड ऑर्डर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म लिखा गया है ठीक है नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे इस इक्वेशन वन को डेरिवेटिव ऑपरेटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे सो इक्वेशन वन कैन बी रिटर्न एज दिस अब देखिए इक्वेशन वन का जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको लिखा गया है ए टू डी टू डी एक्स टू प्लस ए वन डी डी एक्स प्लस ए नॉट एक्टिंग ऑन वाई इक्वल टू आर ऑफ एक्स जस्ट क्या किया गया ये जो इक्वेशन था इस इक्वेशन को डेरिवेटिव ऑपरेटर के फॉर्म में लिखा गया है राइट हैंड साइड सेम है ठीक है नाउ इन नेक्स्ट स्टेप जो ये डेरिवेटिव ऑपरेटर्स हैं दिस वन इसको रिप्रेजेंट किया गया है कैप से ना ये पहले बताया गया था कैप क्या रिप्रेजेंट करता है एल कैप इज ए डिफरेंशियल ऑपरेटर विच इज ए फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव ऑपरेटर्स एल कैप एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है जो डेरिवेटिव ऑपरेटर के फंक्शन है ठीक है तो आप देख सकते हैं जो डिफरेंशियल ऑपरेटर एल कैप है वो बेसिकली डेरिवेटिव ऑपरेटर के फंक्शन ही है और इसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है ठीक है इक्वेशन वन एक सेकेंड ऑर्डर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन था इसीलिए एल कैप के अंदर फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है ठीक है तो इक्वेशन वन को हम लिख सकते हैं एल कैप एक्टिंग ऑन वाई इक्वल टू आर ऑफ एक्स इसको इक्वेशन टू बोला गया है ठीक है इक्वेशन टू एक नॉन होमोजीनियस लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इक्वेशन टू को सॉल्व करने के लिए हम ग्रीन्स फंक्शन टेक्निक यूज करेंगे ओके सो द ग्रीन्स फंक्शन जी ऑफ एक्स ए एसोसिएटेड विथ इक्वेशन टू सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इक्वेशन टू को सॉल्व करने के लिए जिस ग्रीन्स फंक्शन का हम यूज करेंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है इक्वेशन है एल कैप एक्टिंग ऑन ग्रीन्स फंक्शन इज इक्वल टू डिराक डेल्टा फंक्शन इसका सिंपल मीनिंग क्या है इसका सिंपल मीनिंग है ग्रीन्स फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो डिराक डेल्टा फंक्शन से करेक्टेड है हमने पहले भी एक बार एक्सप्लेन किया था तो इक्वेशन थ्री का मतलब है ग्रीनस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो डिराक डेल्टा फंक्शन से कनेक्टेड है कौन सा डेरिवेटिव जिस इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे थे दिस वन इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या है इट इज ए सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन तो हम बोल सकते हैं जो थर्ड इक्वेशन यहां पे लिखा गया है इसका मतलब क्या होगा ग्रींस फंक्शन का जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो किससे कनेक्टेड है वो डिराक डेल्टा फंक्शन से कनेक्टेड है सिंस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर टू है तो ग्रींस फंक्शन का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डिराक डेल्टा फंक्शन से कनेक्टेड है ठीक है क्लियर नाउ अगर हमें किसी तरीके से ग्रींस फंक्शन क्या है ये पता चल गया मतलब ये जो इक्वेशन है इक्वेशन टू इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ग्रींस फंक्शन क्या है ये अगर हमें पता चल गया आफ्टर दैट हम सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे लिखेंगे ग्रीन फंक्शन कैसे पता चलेगा उसका डिटेल डिस्कशन अभी कुछ देर बाद किया जाएगा ठीक है सो नेक्स्ट सो इफ वी नो द ग्रीन फंक्शन द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन टू कैन बी रिटर्न एज दिस अगर हमें ग्रीन्स फंक्शन पता है तो इक्वेशन टू के सोल्यूशन को हम लिख सकते हैं y ऑफ x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आर ऑफ ए इंटू ग्रींस फंक्शन इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू ए लोअर लिमिट है कैपिटल ए एंड अपर लिमिट है कैपिटल बी तो बेसिकली जो सॉल्यूशन वाई ऑफ एक्स है तो वाई ऑफ एक्स को ग्रीन्स फंक्शन के इंटीग्रल फॉर्म में लिखा गया है एंड जो लोअर लिमिट कैपिटल ए एंड अपर लिमिट कैपिटल बी है बोथ कैन बी डिसाइडेड बाई द गिवन बाउंड्री कंडीशन जो कैपिटल ए और कैपिटल बी का वैल्यू है उसको हम क्वेश्चन में जो बाउंड्री कंडीशन रहेगा उससे पता लगा सकते हैं ठीक है एंड प्लीज रिमेंबर वन इंपॉर्टेंट थिंग ग्रीन फंक्शन के अंदर जो स्मॉल ए प्रेजेंट है स्मॉल ए लोअर लिमिट कैपिटल ए एंड अपर लिमिट कैपिटल बी इसके अंदर होना चाहिए ठीक है तो अगर हमें ग्रीनस फंक्शन पता है डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को हम ये लिख सकते हैं अब माइंड में ये डाउट आ रहा होगा हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को ऐसे लिख तो दिया बट ये करेक्ट सॉल्यूशन है या इनकरेक्ट सॉल्यूशन है यह चेक करना भी जरूरी है ठीक है तो चेक कैसे करेंगे इक्वेशन फोर में जो ये सोल्यूशन है इसको हम इक्वेशन टू में रिप्लेस करेंगे अगर इक्वेशन फोर में जो ये सोल्यूशन है ये इक्वेशन टू को सेटिस्फाई करता है इन दैट केस इट इज ए करेक्ट सोल्यूशन ठीक है अगर सेटिस्फाई नहीं करता तो सोल्यूशन इनकरेक्ट है तो नेक्स्ट हम यही चेक करेंगे इक्वेशन फोर इक्वेशन टू का सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता है इसके लिए हम इक्वेशन टू के लेफ्ट हैंड साइड में y के बदले ये जो इंटीग्रल फॉर्म है ये रिप्लेस कर देंगे ठीक है इक्वेशन so, टू के लेफ्ट हैंड साइड में था एल कैप एक्टिंग ऑन वाई ऑफ एक्स नेक्स्ट स्टेप में देखिए वाई ऑफ एक्स के बदले यह इंटीग्रल फॉर्म रिप्लेस किया गया है जो इक्वेशन फोर में प्रेजेंट था ठीक है नाउ यहां पे जो इंटीग्रेशन है उसमें वेरिएबल क्या है स्मॉल ए इंटीग्रेशन स्मॉल ए के रेस्पेक्ट में है एंड एल कैप जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है एल कैप के अंदर जो वो एक्स के में तो इंटीग्रेशन स्मॉल ए के रेस्पेक्ट में और एल कैप के अंदर जो डेरिवेटिव है वो एक्स के रेस्पेक्ट में है तो एल कैप तो को हम इंटीग्रेशन के अंदर लिख सकते हैं ठीक है देखिए इंटीग्रेंड में जो कैपिटल आर ऑफ ए प्रेजेंट है इसके अंदर एक्स का कोई डिपेंडेंसी नहीं है लेकिन ग्रीन्स फंक्शन के अंदर एक्स का डिपेंडेंसी प्रेजेंट है तो जब एल कैप को इंटीग्रेशन के अंदर लेंगे वो किसके ऊपर ऑपरेट करेगा ग्रीन्स फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करेगा बिकॉज ग्रीन्स फंक्शन में X का डिपेंडेंसी प्रेजेंट है Capital R of A इस टर्म के ऊपर ऑपरेट नहीं करेगा बिकॉज इसके अंदर X का डिपेंडेंसी प्रेजेंट नहीं है ठीक है तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए एल कैप को इंटीग्रेशन के अंदर लिखा गया है और एल कैप सिर्फ ग्रीन फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करेगा नेक्स्ट इक्वेशन थ्री के अकॉर्डिंग एल कैप एक्टिंग ऑन ग्रीन्स फंक्शन इज इक्वल टू डिराक डेल्टा एक्स माइनस ए तो यहां पर ये जो टर्म है एल कैप एक्टिंग ऑन ग्रीन्स फंक्शन इसके बदले क्या रिप्लेस कर सकते हैं डिराक डेल्टा एक्स माइनस ए तो नेक्स्ट स्टेप में यही रिप्लेसमेंट किया गया है अब देखिए इस टर्म के बदले डिराक डेल्टा फंक्शन रिप्लेस किया गया है नाउ वी नो दैट डिराक डेल्टा एक्स माइनस ए एंड डिराक डेल्टा ए माइनस एक्स सेम है तो नेक्स्ट स्टेप में डिराक डेल्टा एक्स माइनस ए के बदले डिराक डेल्टा ए माइनस एक्स रिप्लेस किया गया है रिमेनिंग पार्ट सेम ठीक है नाउ इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए डिराक डेल्टा फंक्शन का प्रॉपर्टी यूज करेंगे ये जो डिराक डेल्टा फंक्शन है इसका पीक कहां पे है पीक इज एट इक्वल टू एक्स यहां पे ध्यान रखिएगा इंटीग्रेशन ए के रेस्पेक्ट में है इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं पीक इज एट ए इक्वल टू एक्स इंटीग्रेशन स्मॉल ए के रेस्पेक्ट में है तो डिराक्ट डेल्टा फंक्शन के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इंटीग्रेंट के अंदर जो ये आर ऑफ ए है इसमें ए के बदले क्या रिप्लेस हो जाएगा ए के बदले एक्स रिप्लेस होगा और इंटीग्रेशन का वैल्यू आएगा आर ऑफ एक्स तो आप देखिए हमने स्टार्ट कहां से किया था एल कैप एक्टिंग ऑन वाई ऑफ एक्स और इक्वल टू क्या आ गया आर ऑफ एक्स एंड इट इज नथिंग बट इक्वेशन टू तो हम यहां से बोल सकते हैं इक्वेशन फोर में जो वाई लिखा गया था इक्वेशन टू का सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करता है यह सॉल्यूशन का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है ठीक है लास्ट दो स्लाइड में हमने डिस्कस किया अगर हमें ग्रीन फंक्शन पता है तो किसी नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड ग्रीन्स फंक्शन किसी भी नॉन होमोजेनियस लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के कॉरिस्पॉन्डिंग ग्रीन्स फंक्शन कैसे कैलकुलेट किया जाता है नाउ एक सेकेंड ऑर्डर नॉन होमोजेनियस लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑपरेटर फॉर्म में हम इस तरीके से लिख सकते हैं कैप एक्टिंग ऑन वाई ऑफ एक्स क्वल टू आर ऑफ एक्स इसी को बेसिकली हमने इक्वेशन टू बोला था तो एक सेकेंड ऑर्डर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म यह है ना राइट हैंड साइड में जो आर ऑफ एक्स है अगर हम आर ऑफ एक्स के बदले जीरो रिप्लेस कर देते हैं तो इक्वेशन टू एक होमोजीनियस इक्वेशन बन जाएगा ठीक है तो इक्वेशन टू के कोरिस्पॉन्डिंग जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम ये लिख सकते हैं देखिए क्या किया गया है राइट हैंड साइड में जो आर ऑफ एक्स है उसके बदले जीरो रिप्लेस किया गया है सो दिस इज द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कॉरिस्पॉन्डिंग टू दिस नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक है और इस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को इक्वेशन फाइव बोला गया है ठीक है तो हमने जस्ट क्या किया है हमारे पास एक नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन था उसके राइट हैंड साइड को हमने जीरो से रिप्लेस किया है तो हमें एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा ठीक है नाउ इस ये चेंज करने का रीजन क्या है मतलब एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को होमोजिनियस इक्वेशन में क्यों चेंज कर रहे हैं उसका रीजन कुछ देर बाद समझ में आ जाएगा नाउ एक होमोजिनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है वो हमें पता है तो सपोज वाई वन एंड वाई टू आर टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन फाइव इक्वेशन फाइव के दो लिनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है एक y1 है और दूसरा y2 है तो इक्वेशन फाइव का जो जनरल सोल्यूशन होगा वो y1 और y2 का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा तो इक्वेशन फाइव का जो जनरल सोलूशन है उसको हम लिख सकते हैं y ऑफ एक्स इक्वल टू सी वन वाई वन प्लस सी टू वाई टू सी वन एंड सी टू न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स। तो इक्वेशन फाइव के जनरल सॉल्यूशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्लियर ना मेन एम क्या था जो नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके कॉरिस्पॉन्डिंग ग्रीन्स फंक्शन कैलकुलेट करना ना अकॉर्डिंग टू इक्वेशन थ्री ग्रीन्स फंक्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है एल कैप विच इज ए डिफरेंशियल ऑपरेटर तो एल कैप ऑपरेटिंग ऑन ग्रींस फंक्शन इज इक्वल टू डिराक डेल्टा फंक्शन ग्रीन फंक्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है नम बेसिकली क्या करेंगे ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और वहां से हमें ग्रीन्स फंक्शन के बारे में पता चल जाएगा ठीक है तो इक्वेशन थ्री को सॉल्व करने के लिए क्या टेक्निक यूज कर रहे हैं इफ यू रिमेंबर यह बताया गया था डिराक्ट डेल्टा एक्स माइनस ए इसका वैल्यू जीरो कब होता है फॉर एक्स नॉट इक्वल टू ए सो फॉर एक्स नॉट इक्वल टू ए जो ये डिराक्ट डेल्टा फंक्शन है इसका वैल्यू कितना होगा जीरो तो इक्वेशन थ्री को हम ऐसे लिख सकते हैं राइट हैंड साइड में जो डिराक्ट डेल्टा फंक्शन था उसका वैल्यू जीरो है बिकॉज हमने x नॉट इक्वल टू ए कंसिडर किया है अब आप यहां पे क्वेश्चन कर सकते हैं हमने x नॉट इक्वल टू ए कंसिडर किया तो x इक्वल टू ए वो पॉइंट क्यों एक्सक्लूड कर दिया हमने यहां पे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए x इक्वल टू ए को एक्सक्लूड किया है बाद में हम देखेंगे कुछ कंडीशन अप्लाई करके x इक्वल टू ए इस पॉइंट को भी सॉल्यूशन में इंक्लूड कर लिया जाएगा ठीक है तो सॉल्यूशन आसानी से कैलकुलेट करने के लिए पहले x इक्वल टू ए इस पॉइंट को एक्सक्लूड किया गया है बाद में हम कुछ कंडीशन अप्लाई करके x इक्वल टू ए इस पॉइंट को सॉल्यूशन में इंक्लूड कर लेंगे ठीक है नाउ इस इक्वेशन को इक्वेशन सेवन बोला गया अब आप नोटिस कीजिए जो इक्वेशन फाइव है एंड इक्वेशन सेवन है ये सिमिलर फॉर्मेट के हैं दोनों ही होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इक्वेशन फाइव और इक्वेशन सेवन का मैथमेटिकल फॉर्म सेम है तो जनरल सॉल्यूशन भी सेम होगा तो यहां पे देखिए इक्वेशन फाइव का जनरल सॉल्यूशन क्या लिखा गया था जनरल जनरल सोल्यूशन लिखा गया था वाई वन और वाई टू का लीनियर कॉम्बिनेशन तो यहां पर भी इक्वेशन सेवन का जनरल सोल्यूशन हम क्या लिख सकते हैं वाई वन और वाई टू का लिनियर कॉम्बिनेशन सिंस इक्वेशन फाइव और इक्वेशन सेवन सिमिलर फॉर्मेट का है तो दोनों का जनरल सोल्यूशन भी सिमिलर फॉर्मेट का होगा इक्वेशन फाइव का जो जनरल सोल्यूशन था वो y1 और y2 का लिनियर कॉम्बिनेशन था तो इक्वेशन सेवन का जो जनरल सोल्यूशन होगा वो भी y1 और y2 का कॉम्बिनेशन ही होगा तो देखिए क्या बोला गया है द जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वे इक्वेशन सेवन कैन बी रिटर्न एज दिस क्या किया गया यहां पे हमने कंसीडर किया था x नॉट इक्वल टू a तो x नॉट इक्वल टू a को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं x लेस देन a एंड x ग्रेटर देन a दो रीजन में डिवाइड किया गया x लेस देन a के लिए ग्रीन्स फंक्शन का जनरल सॉल्यूशन क्या लिखा गया y1 और y2 का लीनियर कॉम्बिनेशन एंड फॉर x ग्रेटर देन a जनरल सोल्यूशन क्या लिखा गया वाई वन और वाई टू का लिनियर कॉम्बिनेशन तो दोनों रीजन में ही ग्रीन फंक्शन का जनरल सोल्यूशन वाई वन और वाई टू का लिनियर कॉम्बिनेशन लिखा गया है सेम एज इक्वेशन फाइव ठीक है डिफरेंस सिर्फ क्या होगा नोटिस कीजिए इक्वेशन फाइव का जो जनरल सोल्यूशन था दिस वन इसमें जो C1 वन एंड सी है वो न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट्स है कुछ नंबर हैं ठीक है लेकिन ग्रीनस फंक्शन का जो ये फॉर्म लिखा गया है इसमें जो ये a1, a2, b1 एंड b2 है ये न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट्स नहीं है ए वन ए टू बी वन बी टू किस पे डिपेंड करेगा स्मॉल ए पे डिपेंड करेगा तो ये एक डिफरेंस है इक्वेशन फाइव के सोल्यूशन में जो सी वन सी टू था वो न्यूमेरिकल कांस्टेंट था बट ग्रीन फंक्शन में जो कांस्टेंट्स, जो ए वन ए टू बी वन बी टू आएंगे वो न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स नहीं है वो किस पे डिपेंड करेगा स्मॉल ए पे डिपेंड करेगा ठीक है क्वेश्चन है ये जो ग्रीन्स फंक्शन का फॉर्म लिखा गया है इसके अंदर चार टर्म्स हैं ए वन ए टू बी वन एंड बी टू इनका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे तो नेक्स्ट वही डिस्कस करेंगे लास्ट स्लाइड में हमने देखा था ग्रीन्स फंक्शन के एक्सप्रेशन में कुछ टर्म्स प्रेजेंट हैं ए वन ए टू B1 वन एंड बी टू इन टर्म्स का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ये चार कंडीशंस यूज किए जाते हैं इन चारों कंडीशन को यूज करके हम आसानी से ए वन ए टू बी वन बी टू इन टर्म्स का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है तो फर्स्ट कंडीशन और सेकेंड कंडीशन क्या है जस्ट रीड द स्टेटमेंट फर्स्ट कंडीशन है ग्रीन्स फंक्शन सेटिस द फर्स्ट बाउंडरी कंडीशन गिवन फॉर वाई ऑफ एक्स और सेकंड कंडीशन है फंक्शन सेकंड बाउंडरी कंडीशन गिवन फॉर वाई ऑफ एक्स मतलब क्वेश्चन में जो दो बाउंड्री कंडीशंस गिवन होंगे उनको ग्रीन्स फंक्शन भी सेटिस्फाई करेगा जो पहला बाउंड्री कंडीशन है उसको कंडीशन वन बोला गया है जो दूसरा बाउंड्री कंडीशन है उसको कंडीशन टू बोला गया है ठीक है तो जो दो बाउंड्री कंडीशन क्वेश्चन में गिवन होंगे उनको ग्रीन्स फंक्शन भी सेटिस्फाई करेगा नेक्स्ट थर्ड कंडीशन ग्रीन्स फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू ए इस पॉइंट पे ग्रीनस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है That means x equal to a पे फंक्शन का जो राइट हैंड लिमिट है it will be equal to लेफ्ट हैंड लिमिट of the function at x equal to a. तो x equal to a पे फंक्शन का जो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट है दोनों इक्वल होंगे इसी रिलेशन का मैथमेटिकल फॉर्म ये लिखा गया है ये राइट हैंड लिमिट ऑफ द ग्रीन्स फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए एंड दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द ग्रीन्स फंक्शन एट एक्स इक्वल टू सिंस ग्रीन्स फंक्शन एक्स इक्वल टू ए पे कंटिन्यूअस होना चाहिए इसलिए एक्स इक्वल टू ए पे राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट लिमिट का वैल्यू सेम है तो ये थर्ड कंडीशन है जो ग्रीन्स फंक्शन सेटिस्फाई करना चाहिए ठीक है नेक्स्ट कंडीशन फोर डेल जी एक्स हैज ए डिस्कंटिन्यूटी ऑफ मैग्नीट्यूड वन अपॉन ए टू ऑफ एट एक्स इक्वल टू ए मतलब ग्रीन्स फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ये एक्स इक्वल टू ए पे क्या होगा डिसकंटिन्यूअस तो एट एक्स इक्वल टू ए डेल जी डेलेक्स का जो राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इक्वल नहीं होंगे बोला गया है हैज डिसकॉन्टिन्यूटी तो डिसकॉन्टिन्यूटी होने का मतलब है राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू सेम नहीं होगा ठीक है और डिसकॉन्टिन्यूटी का अमाउंट कितना है वन अपॉन ए टू ऑफ ए अब यहां पे ए टू क्या है इफ यू रिमेंबर हमने सेकेंड ऑर्डर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म कंसिडर किया था उसमें ए टू ऑफ एक्स इज द कोइफिशियंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वाई टू क्या था डी टू डी एक्स टू का कोइफिशियंट इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक है तो सिंस डेल जी डेलेक्स डिस्कंटिन्यूअस है तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट सेम नहीं होगा तो देखिए राइट हैंड लिमिट ऑफ डेल जी डेलेक्स माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ डेल जी देल तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट सेम नहीं है तो उनके बीच में एक डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा ये जो डिफरेंस है इसी को बोला जाता है अमाउंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ठीक है तो जो अमाउंट ऑफ डिस्कटिन्यूटी है इट हैंड लिमिट माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वन अपॉन ए टू ऑफ एंट ऑफ डी टू वाइ डी पर जो ए टू उसका वैल्यू किस पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे एट एक्स इक्वल टू ए तो ये जो क्वांटिटी है ये अमाउंट ऑफ डिस्किन्यूटी को रिप्रेजेंट करेगा और अमाउंट ऑफ डिस्कटिन्यूटी किसमें प्रेजेंट है ग्रीन्स फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डेल जी डेलेक्स में अमाउंट डिस्कॉन्टिन्यूटी प्रेजेंट है एंड अमाउंट ऑफ डिस्कॉन्टिन्यूटी ये है ठीक है तो जो चार कंडीशन बताए गए इनको यूज करके हम ए वन ए टू बी वन बी टू का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा लास्ट स्लाइड में हमने देखा था ग्रीन्स फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमने x नॉट इक्वल टू a कंसीडर किया था इसका मतलब हमने x इक्वल टू a को एक्सक्लूड किया था और मैंने वहां पे बताया था स्टार्टिंग में हम x इक्वल टू ए को एक्सक्लूड तो कर रहे हैं लेकिन बाद में कुछ कंडीशन अप्लाई करके हम x इक्वल टू ए को इंक्लूड कर लेंगे आप नोटिस कीजिए कंडीशन थ्री एंड कंडीशन फोर किस पॉइंट पे है एट x इक्वल टू ए कंडीशन थ्री के अकॉर्डिंग एक्स इक्वल टू ए पे ग्रीन फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा कंडीशन फोर के अकॉर्डिंग एक्स इक्वल टू ए पे डेल so जी हमने डिस इक्वल टू ए इस पॉइंट को सॉल्यूशन में इंक्लूड कर लिया है एक्स इक्वल टू ए को हमने इनिशियली एक्सक्लूड किया था कंडीशन थ्री और कंडीशन फोर अप्लाई करके हमने x इक्वल टू ए को सॉल्यूशन में इंक्लूड कर लास्ट टू स्लाइड्स में किसी भी नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जिस ग्रीन्स फंक्शन का यूज होता है वो ग्रीन्स फंक्शन कैसे कैलकुलेट करना है वो डिस्कस किया गया ना उस मेथड को समराइज करते हैं एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है जो नॉन होमोजीनियस लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और उस डिफरेंशियल इक्वेशन के कॉरिस्पॉन्डिंग ग्रीन्स फंक्शन कैलकुलेट कीजिए तो हम क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे क्वेश्चन में एक नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा इस फॉर्मेट का इस नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के कॉरिस्पॉन्डिंग होमोजिनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी दिस आप देख सकते हैं आर ऑफ एक्स के बदले जीरो रिप्लेस किया गया है सो इट इज ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक है नेक्स्ट स्टेप वन फाइंड टू लिनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस y1 एंड y2 ऑफ द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ये जो होमोजिनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके दो लिनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस कैलकुलेट करने हैं पहले सॉल्यूशन को y1 बोला गया है और दूसरे सॉल्यूशन को y2 बोला गया है ठीक है तो फर्स्ट स्टेप में हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के दो लिनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन कैलकुलेट करेंगे स्टेप टू जो ग्रीन्स फंक्शन है उसको हम y1 और y2 के लिनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं अब देखिए जो x का डोमेन है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है x लेस देन ए एंड x देन a दोनों रीजन में ही ग्रीन्स फंक्शन का जो जनरल सॉल्यूशन है वो y1 और y2 का लीनियर कॉम्बिनेशन है और जैसे पहले भी बताया गया था a1, a2, b1, b2 ये स्मॉल a पे डिपेंड करता है ठीक है नाउ ये जो लोअर लिमिट कैपिटल ए एंड अपर लिमिट कैपिटल बी है ये हम कहां से पता करेंगे द वैल्यू ऑफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी विल बी डिसाइडेड बाई बाउंड्री बाउंडीशन जो बाउंड्री कंडीशन है उससे हम कैपिटल ए और कैपिटल बी का वैल्यू बता सकते हैं जस्ट फॉर एग्जाम्पल किसी क्वेश्चन में यह बाउंड्री कंडीशन है y एट 0 इक्वल टू 0 एंड y डैश एट वन इक्वल टू जीरो दो बाउंड्री कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है तो इसमें लोअर लिमिट कैपिटल ए का वैल्यू कितना होगा जीरो एंड अपर लिमिट कैपिटल बी का वैल्यू होगा वन जीरो लोअर लिमिट को रिप्रेजेंट करेगा वन अपर लिमिट को रिप्रेजेंट करेगा दर एग्जाम्पल किसी क्वेश्चन में बाउंड्री कंडीशन ये गिवन है वाई एट प्लस माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो तो लोअर लिमिट ए क्या होगा माइनस इन्फिनिटी अपर लिमिट बी क्या होगा माइनस प्लस इन्फिनिटी लोअर लिमिट ए माइनस इन्फिनिटी अपर लिमिट बी प्लस इंफिनिटी इस तरीके से गिवन बाउंड्री कंडीशन का यूज करके हम लोअर लिमिट कैपिटल ए एंड अपर लिमिट कैपिटल बी का वैल्यू पता लगा सकते हैं ठीक है नेक्स्ट स्टेप थ्री अप्लाई द कंडीशंस विच आर सेटिस्फाइड बाय द ग्रीन फंक्शन टू ऑपटेन द वैल्यूज ऑफ द कांस्टेंट ए वन ए टू बी वन बी टू लास्ट स्लाइड में बताया गया था ग्रीन फंक्शन चार कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है उन चारों कंडीशन को यूज करके हम ए वन ए टू बी वन बी टू इनका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है तो ए वन ए टू बी वन बी टू इनका जो भी वैल्यू आएगा वो आप ग्रीन फंक्शन के एक्सप्रेशन में रिप्लेस कीजिए वहां से आपको फंक्शन का फाइनल एक्सप्रेशन पता चल जाएगा ठीक है तो किसी भी नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के कॉरिस्पॉन्डिंग ग्रीन्स फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम ये स्टेप्स फॉलो करेंगे ठीक है तो ये लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा इस लेक्चर को अच्छे से रिवाइज कीजिए इस लेक्चर में हमने ग्रीन फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए जो डिस्कस किया, उसके रिगार्डिंग एक प्रॉब्लम हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसके अलावा नेक्स्ट लेक्चर में और भी कुछ ऑल्टरनेटिव मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो ग्रीन फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं So thank you everyone for watching the video.